यूक्रेन के बीच जंग अभी भी जारी है। इस बीच यूक्रेन की न्यूज वेबसाइट द कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने रूसी सैनिकों को ज़ाबोजेरिया से 5-7 किलोमीटर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। मेलिटोपोल के मेयर इवान फेडरोव ने कहा कि यह 2 सप्ताह की लड़ाई का नतीजा है। इन्होंने कहा कि जल्द ही मेलिटोपोल और अन्य शहरों से भी रूसी सैनिकों को भगाया जाएगा। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद यूपी के कई शहरों में हिंसा भड़क गई। प्रयागराज में हालात सबसे ज्यादा खराब हो गए। पथराव में डीएम, एसएसपी, एडीजी, आईजी घायल हो गए। पथराव के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदेश में अब तक 136 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें सहारनपुर में 45, प्रयागराज में 37, अम्बेडकर नगर में 23, हाथरस में 20, मुरादाबाद में 7 और फिरोजाबाद में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पंजाब में कैबिनेट का विस्तार अगले महीने होगा। इस महीने के अंत में बजट सेशन है, उसके बाद जुलाई के पहले हफ्ते में कैबिनेट में नए मंत्री शामिल होंगे। सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार में अभी 8 मंत्रियों के पद खाली हैं। नए मंत्रियों में महिला और सेकंड टर्म वाले विधायक को मौका मिलना तय है। हालांकि अभी मंत्रिमंडल को पूरा नहीं भरा जाएगा, फिलहाल 4 से 5 मंत्री ही शामिल किए जाएंगे। दिल्ली के रोहिणी इलाके में ब्रह्मा शक्ति अस्पताल के आईसीयू में शनिवार सुबह आग लग गई। इसके चलते ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 64 साल के मरीज की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से अस्पताल के 3rd फ्लोर पर आग लगी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में बोरवेल में गिरे 10 साल के राहुल को बचाने के लिए 20 घंटे से रेस्क्यू अभियान जारी है। बोरवेल के ठीक बगल में 50 फीट से ज्यादा की खुदाई हो गई है। पाइप के माध्यम से राहुल को ऑक्सीजन दी जा रही है। बोरवेल से राहुल की आवाज और उसकी हलचल पूरी तरह सुनाई और दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के खांडीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकवादी मारा गया है। कश्मीर पुलिस के मुताबिक शनिवार तड़के 2 आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया। चीन ने पूर्वी लद्दाख बॉर्डर के करीब होतान एयरपोर्ट पर 25 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इनमें J-20 और J-11 जैसे फाइटर जेट भी शामिल है। चीन पहले MiG-21 जैसे विमान यहां रखता था। चीन वायुसेना भारतीय क्षेत्र के करीब नए हवाई क्षेत्र बना रही है, जहां कम ऊंचाई से मिशन को अंजाम देने की अनुमति मिल सके। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नए केस 9.5 हजार के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 6,170 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 4,216 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 10 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस मामले बढ़कर 53,91,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 63 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11.90 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। यहाँ के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। भीषण लू से कई जिलों को राहत मिली है। भोपाल और इंदौर में आज बरसात का अनुमान है। 1-2 दिनों में पूरे प्रदेश में बारिश होने लगेगी। 15 जून से राज्य में मानसून की एंट्री हो जाएगी। इसके बाद 1 सप्ताह में मानसून अपने शवाब पर होगा।